हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्धार्थ। और दोस्तों, आज मैं आपको लेके जा रहा हूं काली माता मंदिर, यानी कि रामा ड्रामेटिक क्लब। जी हाँ, ये क्लब रामलीला करता है हर साल, और करीबन 60 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है इस क्लब को यहाँ पे रामलीला करते हुए। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको पठानकोट की दो जगह की रामलीला दिखाऊंगा। एक काली माता मंदिर और एक है रामलीला ग्राउंड, जो कि बहुत फेमस है पठानकोट में। दूर दूर से लोग यहाँ पर रामलीला देखने आते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिक्योरिटी है यहाँ पर, आप अपनी फैमिलीज के साथ आ सकते हैं, यहाँ पे सेफ है रात के समय में। और रामलीला करीबन 10 बजे के करीब शुरू हो जाती है यहाँ पर, और आप देख सकते हो काफ़ी यहाँ पे क्राउड है, काफ़ी लोग आए हुए हैं। नीचे आपको चेयर्स मिल जाती हैं, जहाँ पे आप बैठ सकते हो कंफर्टेबली, और आप स्टेयर्स पे भी बैठ सकते हो। और दोस्तों, ये इस रामलीला में हमारे पूर्व ट्रांसपोर्ट मंत्री पंजाब के श्री मोहन लाल जी भी यहाँ पे अपना सहयोग देते आए हैं बहुत ही सालों से। क्योंकि जब मैं बचपन में रामलीला देखने आता था घर वालों के साथ, तब भी मास्टर मोहन लाल जी यहाँ पे होते थे। मुंह से निकलता ही नहीं, बड़ा मुश्किल है। राम नाम हर जुबान। राजगुरु विशिष्ट जी अभी तक तशरीफ नहीं लाए। महाराज आ गया हो तो हम उसको बुला लाए। फ्रेंड्स, सेटअप इज ऑसम, बहुत बढ़िया सेटअप है। और इनकी जो वॉइस क्वालिटी है, लाइटिंग है, एकदम परफेक्ट है। अगर आप पठानकोट के आसपास के हो और पठानकोट में रहते हो, अगर आप रामलीला नहीं गए तो जरूर काली माता मंदिर में आकर रामलीला देखिए। अभी 2 दिन बचे हैं रामलीला देखने के लिए, और बहुत ही अच्छा सेटअप है। गुरु जी, गो मैंने आपको याद किया था इसलिए, गुरु जी, मंत्री जी, दिगर राज के अधिकारी और प्रजाजनों, मैं महसूस करता हूं कि वृद्धावस्था के कारण अब मुझ में राजपाट को ठीक ढंग से निभाने की ताकत नहीं रही। मैं चाहता हूं कि आइंदा के लिए ये जिम्मेदारी किसी खास आदमी के जिम्मे लगा दूं। ना जाने इस फर्ज को निभाते हुए मुझसे कितनी गलतियां हुई होंगी और कितने बेगुनाहों को मैंने सजा दी होगी। मैं चाहता हूं कि आइंदा के लिए ये जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे राम को सुपुर्द कर दूं। मैं समझता हूं कि वो ये जिम्मेदारी निभाने के योग्य है, मगर देखना बेटा, अपनी दिली मंशा का इजहार करते वक्त खुशामदी और चापलूसी का सहारा ना लेना। और मुझे तो फ्रेंड्स बहुत मजा आ रहा है, और अभी यकीन नहीं मान हो गया आप, मेरा दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि अब आगे का सीन देखने हैं मुझे। और दोस्तों, आप जरूर आइए एक बार, जरूर यहाँ की रामलीला देखिए। दोस्तों, बहुत बढ़िया ये रामलीला हो रही है यहाँ पर, और इनके डायलॉग डिलीवरी, इनकी लाइटिंग, साउंड, सब कुछ परफेक्ट है, और इनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कहाँ की रामलीला पसंद है, काली माता मंदिर की ज़्यादा अच्छी लगती है या रामलीला ग्राउंड की। क्योंकि मैं इसके बाद मैं जा रहा हूँ रामलीला ग्राउंड, वहाँ भी दिखाऊंगा आपको कि वहाँ पर रामलीला कैसे होती है। ना कि मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं रामलीला देखने आया हूँ। अब ये लास्ट सीन आपको दिखाते हैं हम। और अगर करेगा भी तो उसको हासिल क्या होगा? धोखा तो कुछ हासिल करने के लिए किया जाता है। मेरे पास सिवाय आपके प्यार के और है ही क्या? जो कोई मुझसे धोखा करेगा तो फिर बात क्या है? तुम्हें जमाने की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? जब भी आती है कोई ना कोई नई बात लेकर ही आती है। लगता है आज भी कोई फितना उठने वाला है। हाँ महारानी जी, बहुत बड़ा फितना। ऐसा फितना कि मंथरा गोली से रानी और महारानी रानी से गोली होने वाली।
वाओ फ्रेंड्स, अनबिलीवेबल। मुझे उम्मीद ही नहीं थी यहाँ पे कि जो फीमेल का रोल होता है वो फीमेल आर्टिस्ट ही करती है। मैं सोच रहा था कि मेरे जैसे ही क्लीन शेव करके और साड़ी पहन के और लेडीज़ का रोल करते हैं, पर नहीं, मैं गलत था यार। बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत अच्छे यहाँ पे रोल प्ले करने वाले हैं, आपको ज़रूर आना चाहिए। और इस समय मैं जा रहा हूँ रामलीला ग्राउंड की ओर। रास्ता थोड़ा सा सुनसान है, पर डरने की बात नहीं है, सिक्योरिटी है, भीड़ भाड़ भी नहीं मिलेगी आपको रास्ते पे। और दोस्तों, ये रामलीला ग्राउंड वी मार्ट के बिल्कुल ऑपोजिट है। दोस्तों, यहाँ पे रामलीला श्री कृष्णा नाटक क्लब की ओर से की जाती है और इसे रामलीला ग्राउंड ही कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्राउंड है अपने पठानकोट में। और यहाँ पर दिन त्योहार में मेले फेयर लगते रहते हैं। और दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ इस रामलीला ग्राउंड के अंदर। दोस्तों, यह है एंट्रेंस गेट और सिक्योरिटी यहाँ पर भी है, पार्किंग की फैसिलिटी है। दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर दिन त्योहार के समय मेले लगते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला सीन। मरीच जाओ और अपना मायावी रूप हिरण वर के दिखाओ। जो आज्ञा महाराज। ओ दोस्तों, मैं भी आप ही की तरह हैरान हो गया था ये देखे कि यहाँ पर रामलीला एक स्क्रीन पे दिखाते हैं, पर ऐसा है नहीं। यहाँ पे कुछ चुनिंदे सीन होते हैं, वो यहाँ पे दिखाए जाते हैं। फल ले आओ। हाँ लक्ष्मण, जाओ, परंतु सावधान रहना, क्योंकि ये जंगल खूंखार राक्षसों से भरा पड़ा है, इसलिए शीघ्र वापस लौटने की कोशिश कर। जैसी आपकी आज्ञा। दोस्तों, पहले जैसे रामलीला में बैकग्राउंड में कर्टन्स लगे होते थे अलग अलग सीन के, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये लोग डिजिटल स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं बैकग्राउंड दिखाने के लिए, जो काफी अच्छा भी लगता है। समय क्या सुहाना है, वन की सुहन में कयामत का यौवन निकलता है। वन परिंदों को वन ने, गुलों को चमन ने, मुझे तो चमन है तुम्हारे चरण में। प्यारी, हम तुम एक हैं, कहन सुनन को दो, मन को मन से तोलिए, दो मन कबीला करो, जिससे तमाम राक्षसों का नाश हो सके और फिर इस धरती पर धर्म का बोलबाला होगा। तब तक तुम इस अग्नि में प्रवेश कर जाओ, जो और अपना माया रूपी शरीर यहां छोड़ जाओ, जो आप ही की तरह सुंदर और सुशील हो। जो आज्ञा प्राणा, मैं बिल्कुल तैयार हूं। दोस्तों, रामा ड्रामेटिक क्लब यानी कि काली माता मंदिर और कृष्ण नाटक क्लब यानी कि रामलीला ग्राउंड, दोनों की रामलीला देखने के बाद मुझे जो सबसे अच्छी लगी वो लगे मेरे को
रमन ड्रामेटिक क्लब यानी कि काली माता मंदिर वाली रामलीला। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी रामलीला अच्छी लगी और कहाँ आप देखने जाते हो। और दोस्तों आपको ज़रूर अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आना चाहिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। जय श्री राम।